दिल्ली के लोगों को अब बड़ी राहत मिली है क्योंकि आज का मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। लेकिन खतरे की बात यह है कि यमुना का पानी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस बारिश के बाद और उसका स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन ये हो रहा है कि लोगों में देखा जा रहा है कि जैसे ही लोग घर से निकल रहे हैं, उन्हें पब्लिक व्हीकल नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर अपना व्हीकल लेकर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जाम ने इतना सारा जाम कर दिया रास्ता कि जहां 15 मिनट लगते थे वहीं 1.5 घंटे लग रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि रेड अलर्ट अब जारी हो चुका है। दिल्ली NCR की अगर बात करें, गुजरात की अगर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें, तो हर जगह झमाझम बारिश हो रही है। आखिरकार मौसम विभाग का कहना क्या है? मौसम विभाग की माने तो पूर्वी मध्य भारत के हिस्सों में भी आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर में भी आज और कल भारी मुताबिक में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत के हिस्सों में 28 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश की पूरी आशंका है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में सुबह से ही धुआंधार बारिश देखने को मिल रही है, और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटे तक दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। IMD ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, और दिल्ली में अभी बाढ़ का पानी ही उतरा था कि फिर से जल जमाव खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले ही बाढ़ का पानी फैला हुआ था, और अब दिल्ली NCR में बारिश के कारण हुए जमजमाव के बीच सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई है। अब ऐसे में मूसलाधार बारिश परेशानी का साधन बन गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में आज यानी कि बुधवार न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज करा दिया गया है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। नोएडा में तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है, और जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। लोनी देहात, हिंडन FF स्टेशन, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, छपरौली, दादरी में भी बादल का अलर्ट जारी कर दिया है। अब इसके अलावा यूपी के बिजनौर, खतौली, सकौटी, टांडा, हिस्तानपुर, बदौर, दौराला, बागपत, मेरठ, खेड़, आपको लेकर इन सारे जगहों पे इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून में जबरदस्त बारिश से जल भराव हो गया और नदी में नालों में उफान आ गया है। मौसम विभाग के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने लगातार सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जिले में भारी से भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, चंपावन, चमोली, बागेश्वर जिले में आज यानी कि 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। फिर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, तवाबघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन ने रात में गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया था, और धारचूला से लिपुकेल के बीच सड़क पर लगातार अलग अलग जगह पर पहाड़ से पत्थर और बोल्डर गिरे जा रहे हैं, जिसके चलते यहां दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, और यहां सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। IMD के मुताबिक क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है, और वहीं कुछ अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक बारिश वर्षा की आशंका जताई जा रही है। और इसके अलावा मुंबई के शहर और उपनगरों में भी भारी बारिश और अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ कभी कभी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी की अगर माने तो गोवा, कर्नाटक में मध्य से मध्य बारिश हो देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जब जहां पर इतनी सारी बारिश हो रही है, दिल्ली NCR कोई भी राज्य सेफ नहीं है। वहां पे कहीं पे रेड अलर्ट, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट, कहीं पे येलो अलर्ट लगा दिया गया है, तो लोग सावधान रहे, घर से बाहर निकले केवल जब जरूरी हो। और स्कूलों की माने तो बच्चे बहुत सारी मौज में हैं, बच्चों को छुट्टियां मिल चुकी हैं, और बच्चों को भी ये सावधान हम कर देंगे कि आप बाहर जाकर पानी में ना खेलें क्योंकि आई फ्लू बढ़ रहा है। अब ऐसे में अगर आप बारिश के गंदे पानी में खेलेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे मौसम में, ऐसे बदलते मौसम में बाहर ना निकलें।